सो okay. so, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल लिंक okay. तो वर्चुअल लिंक कैसे कन्फिगर करेंगे ये हम इसमें देखेंगे और क्या होता है वर्चुअल लिंक राइट right? okay. तो वर्चुअल लिंक इन किसमें ओ एस पी एफ ये लास्ट टॉपिक हमारा बचा था तो हम ये देखें ओके <coughs> okay. तो इन चीज इसका मैं डेफिनेशन बताता हूं एक्चुअली होता क्या वर्चुअल लिंक तो ये होता है इट यूज use... the resources of that router on which it is created. इट शुड कन्फिगर कन्फिगर ऑन बोथ सेम एरिया सेम एरिया राउटर ओके okay. अब देखो ये जो है हमारा इट यूज ऑन रिसोर्सेस ऑफ डेट राउटर ऑन विच इट इज क्रिएटेड इट शुड कॉन्फ़िगर ऑन बोथ सेम एरिया राउटर ओके okay? सेम एरिया राउटर में सपोज ये कैसे होता है सपोज मान लो कि मेरे पास पे में क्या था हमारा बैकबोन एरिया ओके okay? तो बैकबोन एरिया हमारा क्या था वन oh, सेकेंड Select all. Mm -hmm. ओके okay, यहां देखो सपोज <coughs> मान लो कि मेरे पास क्या था राउटर uh, हम लोग कैसे करते थे बैकबोन जो बैकबोन एरिया किसे हम बोलते थे हमारे पास होता था बैकबोन एरिया होता था राइट right? तो बैकबोन एरिया बैकबोन एरिया क्या होता था हमारा एरिया जीरो टू तो uh, बना बनाना है एरिया थ्री बनाना है, तो ये जितने भी एरिया है ना वो एरिया राइट एरिया जीरो से कनेक्ट होने चाहिए सपोज मान लो एरिया मान लो कि मेरे पास एक, एक, एक डायग्राम है जैसे कि मान लो ये राउटर वन है ये राउटर टू है ओके ये इससे कनेक्टेड है ठीक है एक यहाँ पे और एक राउटर आ गया यहाँ पे राउटर थ्री एक राउटर यहां पे है राउटर फोर ओके ये ऐसे है अब अब मेरा क्या हुआ यहां पे एक और राउटर ऐसे कनेक्टेड है राउटर फाइव और एक यहां पे राउटर है सिक्स ऐसे कनेक्टेड है अब यहां देखो ये यह इतना एरिया ये क्या है एरिया वन राइट ये जो एरिया है ये पूरा एरिया ये ये है एरिया जीरो एरिया जीरो मेरा बैकबोन है तो मेरे बैकबोन एरिया से ये वन कनेक्टेड है ये ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप सपोज मान लो कि मेरे पास एक और एरिया यहाँ पे है ये एरिया है ये एरिया कितना है एरिया दो ओके एक और एरिया मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक और एरिया है जो कि क्या है एरिया तीन है राइट एरिया तीन है अब मुझे क्या देखो ये तो इससे कनेक्टेड है एरिया जीरो से ये कनेक्टेड है इससे कोई दिक्कत नहीं है ये भी एरिया जीरो से कनेक्टेड है बट ये क्या है एरिया जीरो से कनेक्टेड नहीं है ये एरिया तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा एरिया दो के अंदर हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा एर... किससे एरिया जीरो से तो हम क्या करेंगे इस एरिया को इस एरिया को जो मेरा ये एरिया है ये वाला ये जो एरिया है मेरा एरिया तीन इसको हम क्या करेंगे वर्चुअली कनेक्ट करेंगे किससे एरिया दो से राइट right? इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास आया था वर्चुअल लिंक ओके वर्चुअल लिंक तो हम क्या करेंगे इस एरिया थ्री को एरिया टू से वर्चुअली कनेक्ट करेंगे राइट right? और कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें नॉर्मल सी आ, सिर्फ दो कमांड है तो हमारे पास क्या कमांड है यहां पे वर्चुअल ओके वर्चुअल लिंक हमें क्या करना पड़ेगा राउटर जो है ओके okay? ये राउटर कितना है फोर और फाइव तो फोर और फाइव पे हमें क्या करना पड़ेगा कन्फिगर करना पड़ेगा नॉर्मली कैसे करेंगे कन्फिगर हम पहले हम आएंगे राउटर फोर पे ओके ऑन राउटर राउटर फोर पे राउटर फोर पे आएंगे हमारे पास क्या कमांड था राउटर फोर पे क्या था पहले हम जाएंगे किसके अंदर राउटर के अंदर तो राउटर के अंदर कैसे जाएंगे यहाँ पे हम लिखते थे क्या राउटर ओ एस पी एफ ठीक है और क्या प्रोसेस आईडी हमने डाल दिया क्या हंड्रेड प्रोसेस आईडी हंड्रेड है अब इसके अंदर हम जाएंगे तो राउटर फोर के अंदर अब देखो हमने क्या किया है मेरे पास एक लूप बैक है तो वन का है तो यहाँ पे वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन लेके चलूंगा टू है तो टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू लेके चलूंगा ठीक है थ्री है थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री लेके चलूंगा फोर है फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर लेके चलूंगा राइट ये फाइव है तो यहाँ पे फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव लेकर चलूंगा क्या लू बैक है और स्लैश थर्टी टू से है ओके हमने जो नेबरशिप बनाई है वो हमारा इसके थ्रू बना हुआ नेबरशिप ठीक है अब हम इसमें क्या करेंगे मेरे पास है राउटर थ्री राउटर टू सॉरी एरिया थ्री और एरिया टू है तो मुझे वर्चुअली कनेक्ट करना है एरिया टू से अगर एरिया टू से ये वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा तो ये पूरा एक सिंगल एरिया बन जाएगा ये क्या बन जाएगा ये जो एरिया होगा ये हमारा जो एरिया होगा ये ये एरिया जो होगा ये पूरा एरिया हमारा एज अ वर्चुअली ये तो इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है ठीक है एरिया टू से डायरेक्टली कनेक्टेड है बट एरिया थ्री होगा ये वर्चुअली भी एरिया जीरो से कनेक्ट हो जाएगा ओके okay? तो हम इसमें यहाँ पे कमांड क्या लिखेंगे फिर एरिया किसके अंदर एरिया टू के अंदर तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया एरिया टू ओके एरिया टू लिख दिए उसके बाद हम क्या लिखेंगे वर्चुअल क्या कमांड आता है वर्चुअल लिंक ओके वर्चुअल लिंक और फिर वर्चुअल लिंक के बाद से क्या लिखेंगे उसकी आईपी कौन सी आईपी को हमें उसकी नेबर है तो ये हम हमारी आईपी होगी तो फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव ये कमांड चलाएंगे किस पे राउटर फोर पे ओके सेम कमांड हमें चलाना है कहाँ पे राउटर फाइव पे ये हम प्रोसेस आईडी हमारा हंड्रेड चल रहा है तो प्रोसेस आईडी हम हंड्रेड लिखेंगे यहाँ पे भी हमारा प्रोसेस आईडी क्या होगा राउटर ओ एस पी एफ हंड्रेड ओके राउटर ओ एस पी एफ हंड्रेड हमने लिख दिया फिर उसके बाद से सेम कमांड चलाएंगे ये वाला कमांड चलाएंगे और लिंक और उसके बाद से फाइव पे हमें किसका ये लिंक जोड़ना है तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद हम यहां पे आएंगे राउटर फाइव पे ओके तो राउटर फाइव पे यहां चलाएंगे ऐसे राउटर ओ एस पी एफ क्या प्रोसेस आई डी हंड्रेड फिर किससे एरिया दो एरिया कौन सा टू और क्या वर्चुअल लिंक वर्चुअल लिंक और कौन सा लिंक था पांच के साथ हमें कौन सा राउटर फाइव पे है तो राउटर फोर का जो आईपी है वो हमें रोड ये हम कमांड चलाएंगे तो हमारा क्या होगा वर्चुअली वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा ओके एक सेकंड है की आवाज नहीं आ रही है सर आपका आवाज नहीं आ रहा हेलो हाँ भाई मैं आ, बोला आवाज, आवाज, आ आवाज आ रही है आवाज आ रही है हेलो हाँ हाँ सर ठीक है ओके okay. तो इसमें क्या होगा कि हम जब ये कमांड चला देंगे राउटर फोर और फाइव दोनों पे ओके तो हमारा क्या होगा कि ये हमारा था एरिया टू ओके ये था पूरा एरिया टू था ओके ये हमारा था एरिया टू और जो ये एरिया है ये जो एरिया था ये हमारा एरिया था थ्री तो हमने ये कमांड चलाया किस पे एक तो चलाया फाइव पे और एक चलाया फोर पे ओके किसके अंदर एरिया टू के अंदर और यहाँ से हमारा जो भी कनेक्टेड है राउटर थ्री है और ये यहाँ पे राउटर टू है वो हमारा किस में था ये पूरा एरिया जीरो में था एरिया जीरो में था तो हमें क्या वर्चुअली कनेक्ट करना है तो वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए एरिया टू से एरिया टू के अंदर एरिया टू के अंदर हमें वर्चुअल लिंक का आईपी देना होगा ओके वर्चुअल लिंक और वर्चुअल लिंक का जैसे कि हम लूपबैक पर हमें आई पी दे रखा है जिसे हमारा राउटर आई होता है ठीक है देखो मैं तो वहां पे राउटर आई भी दिखता है वो राउटर आईडी हमारा होगा वो हम इसके अंदर चला देंगे तो हमारा क्या होगा वर्चुअल लिंक डायरेक्टली कनेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा किससे एरिया जीरो से तो ये था कॉन्सेप्ट एरिया जीरो का वर्चुअल लिंक के साथ कनेक्ट करने का राइट right? ओके okay. और इसमें जैसे होता है कि हेलो पैकेट जब जो जाता है ना तो हेलो पैकेट इसमें कनेक्शन जब बन जाता है ना तो उसके कनेक्शन बनने के बाद जो हेलो पैकेट्स होता है वह हमारा सस्प्रेस्ड सप्रेस्ड हो जाता है ठीक है तो इसको कन्फिगर कर लोगे आप लोग कन्फिगर करके मुझे कल बताना ठीक है अगर कोई इशू आता है तो आप लोग मैसेज या चैट पे आप पूछ सकते हो ठीक है